तो अब हम देखेंगे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पिछली वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो देखो अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसके थोड़े यूजेस देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, उसके थोड़े यूजेस देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कॉनकेव मिरर के बारे में डील करेंगे, क्योंकि देखो आपका जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये जो दो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में ज़्यादातर यही है आपको एक बार, चलो लाइट से नहीं कुछ पूछा जा सकता, लेकिन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किससे होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से ही होने वाला है। तो मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको ज़रूर पढ़ना है। अब क्या है वो देखेंगे। तो कॉनकेव हम देख रहे हैं इस बार मिरर का, तो इसमें आपको मिरर से भी सीखना है और साथ ही साथ लेंसेज से भी सीखना है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो लेकिन मैंने क्या लिखा है, हेडिंग क्या दिया है, मैंने रूल्स दिया है। पहले थोड़े रूल्स देख लेते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो पहला रूल क्या है, पहले देखो मैं आपको क्या बना देता हूँ, एक कॉनकेव क्या बना देता हूँ, मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताए थे कि ये देखो ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद देखो इस पे जो एक पॉइंट रहता है, जो देखो इसको पूरा करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो इस पॉइंट का क्या है, इस लाइन का सेंटर क्या है, ये है इसका सेंटर। तो इधर से लेके इधर तक क्या है, ये इसका सेंटर है। इसको क्या बोलते हैं, हम सी से डिनोट करते हैं और इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद इस सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है, उसका आधा कितना होता है, वो होता है फोकस। और इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को बोला जाता है पोल। तो ये तीन चीज़ हमने देखा। तो अब इसके थोड़े रूल्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो रूल क्या है, समझो मैंने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, समझो ये जो मेरा ये है पेन, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पेन की क्या है वो देखो, पेन में समझो लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ जा रही है, लाइट पहले क्या करेगी, इस मिरर पे जाएगी। तो जाएगी पहले मिरर पे लाइट। अब लाइट मिरर पे गई, तो मिरर पे गई तो रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी ना, मैंने हमने क्या सिखाया रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो लाइट पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, लेकिन कहाँ से बैक करेगी, तो आपको समझना है रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये जो फोकस पॉइंट है उससे। तो देखो रिफ्लेक्ट बैक की इस फोकस पॉइंट से, मतलब अगर आपको कभी इमेज बनाना रहे तो क्या करना पड़ेगा, अगर पैरेलल आप बनाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन तो किससे पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। आप इतना सीखें, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। अब इसके बाद देखो, अब देखते हैं सेकेंड हम लोग रूल देखते हैं, सेकेंड रूल क्या दिया है वो देखते हैं। सेकेंड रूल हम देखेंगे तो मैं वही चीज़ सब कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव का मैं सब जो जो लिखना है पोल फोकस और सेंटर वो बना देता हूँ। अब देखो ये जो है हमने फर्स्ट रूल देखा, इसका बस उल्टा है हमारा क्या, सेकेंड रूल, इसका उल्टा क्या होगा। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, तो गेस करो क्या होगा, हाँ पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब फोकस से अगर पास करेगी कोई रे तो क्या करेगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये जो लाइन बीच में बनी है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल जाएगी मतलब पासिंग थ्रू फोकस तो क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल भी है, तीसरा रूल क्या है, सेम वही चीज़ मैं पहले लिख दे रहा हूँ, पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, अभी जो सेंटर दिया है, सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास कराऊंगा, मतलब कि समझो एक रे अगर सेंटर से पास होती है, समझो एक रे अगर सेंटर से पास होती है तो क्या करेगी, इधर जाके अब ये सेंटर से पास तो हुई है तो क्या करेगी, इधर जाके टच करेगी। समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं, इसकी जो लाइट है ये क्या जा रही है, इधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो क्या होगा, ये जो रे जा रही है वो इस क्या करेगी, ये जो कॉनकेव मिरर है उसको टच करेगी। तो ये जब टच करेगी तो क्या होगा, कहाँ से बेंड होगी, कहाँ रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो जब टच करेगी तो वही वापस पाथ से रिटर्न हो जाएगी, मतलब जैसे इधर से आई तो वापस इधर से चली जाएगी। अगर हम लोग कोई भी लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे तो वो रे क्या करेगी, वापस रिटर्न बैक आ जाएगी। अब फोर्थ एक और रूल है, फोर्थ वन, तो फोर्थ वन हमें रूल क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। तो मैं ये सब लिख देता हूँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये फोर्थ वन क्या है, अगर हम क्या करें, एक रे को ले और रे को पोल तक, पोल से टच कराएं, मतलब कि अगर एक समझो ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो एक रे, मतलब ऑब्जेक्ट की जो रे है वो आए और क्या हो, इस पोल पर टच हो, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने लाइट दिखाया, तो लाइट कहाँ आ रही है, इस पोल पे अगर आ रही है लाइट, स्टार्टिंग में इस पोल पे टच हो रही है तो कहाँ रिफ्लेक्ट बैक करेगी, अगर इस पोल पे टच हो रही है लाइट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएगी।
अगर इधर से ऐसे आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। आपको इतना समझा, ये चार रूल हैं। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें इमेज बनाना है। तो इससे पहले हम छः केसेस देख लेंगे कि कौन से छः केसेस हैं जिसमें हमें ये इमेज बनाना है। तो देखो, इसमें हमें छः केसेस करने हैं। केस वन में हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको एकदम पीछे ले लेंगे। ये देखो, ये जो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके एकदम पीछे, मतलब कि एकदम दूर ले लेंगे ऑब्जेक्ट को। देखो, केस वन में एकदम दूर मतलब कितना दूर ले सकते हैं, हम बता नहीं सकते। तो समझो, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ले लिया एकदम दूर, तो एकदम दूर का तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने इन्फिनिटी डाल दिया। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहेगा, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा वो हमें देखना है। इसमें छः केसेज है, तो केस वन हमने देखा कि कहाँ बनेगा इमेज, वो हम देखेंगे अभी। केस टू में क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके थोड़ा सा पीछे देखेंगे कि अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा रहेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की साइज़ क्या रहेगी। और तीसरा हम देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहा, तो क्या होगा, कहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा, तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज। फिर फोकस पे अगर रहा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। और फोकस और पोल के बीच में रहा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये छः केसेस हमें देखने हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड से हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, ये हर केसेस को लेके। तो अब देखो, केस वन हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट हमारा है इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब हम बता नहीं सकते हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हमने चार केसेस पढ़े हैं, और हमने ये भी चीज़ पढ़ा है, अगर कम से कम दो रे मीट हो जाती है तो हमारा इमेज फॉर्म होता है। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि अगर दो रे मीट होती हैं तो हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो देखो, अब हमने चार केसेस पढ़े हैं, आप चारों केस को यूज़ कर सकते हो। सिर्फ दो रे मतलब आप दो रे बना सकते हो, और अगर दो रे मीट करती है मतलब कि मिलती है, तो आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने फर्स्ट रूल लिया था उसको ले लेता हूँ। तो फर्स्ट रूल मैंने क्या लिया था, अगर जो हम लोग का क्या है, रे है, अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास करेगी किससे, फोकस से। तो मैं पैरेलल ले लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल मेरा रे गया। और अब किससे पास करेगी, ये पास करेगी हमारा फोकस से, ये फोकस पॉइंट है, इससे हमारा पास किया। अब सेकंड क्या ले सकता हूँ, मैं सेकंड भी वही ले लेता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, वापस वो ले लेता हूँ मैं। अब नीचे से मैं ले रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो मैंने क्या किया, दो रे मेरी मीट कर रही हैं। अब जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं मीट कर रही है, वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। देखो, आपको ये पॉइंट नहीं देखना है, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो इंसिडेंट रे, मतलब जहाँ से लाइट आ रही है। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रे मीट करेंगी, तो वो होता है हम लोग का वहाँ इमेज फॉर्म। तो देखो, रे कहाँ मीट कर रही है, रे इस फोकस पॉइंट पे ही करेक्ट मीट कर रही है, मतलब क्या होगा कि हमारी इमेज फोकस पॉइंट पे ही बनेगी। इतना समझा। अब देखो, ये इमेज का क्या है, साइज़ क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इधर हमारी क्या हो गया, एक इमेज बन गई। अब इतने देखो, इन्फिनिटी में हमारे ऑब्जेक्ट रखी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अब देखो, ये जो इमेज की साइज़ आपको दिख रही है, एकदम छोटी दिख रही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, द इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम छोटी। अब रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड हमने क्या पढ़ा था, रियल मतलब क्या है, जो रेज है एक्चुअली मीट कर रही हैं, रेज अगर एक्चुअली मीट कर रही हैं तो क्या है, रियल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो देखो, उल्टी ही इमेज बनी है, जैसे ये सीधा था लेकिन इधर जाके क्या हो गया, इमेज उल्टा बन गया है। तो मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद कौन से जगह पे ये इमेज बनी है, तो हमें पता है ये जो इमेज बनी है ये फोकस पॉइंट पे बनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट एफ। अब केस टू देखते हैं, केस टू में आप क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके थोड़ा पीछे रखा है हमने, इस सी मैंने गलती से थोड़ा सा इसके नीचे ले लिया, लेकिन सी इधर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे देखते हैं। अब वही सेम मैं ले लेता हूँ मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, किससे पास करती है, फोकस से पास करेगी। उसके बाद एक काम करता हूँ, इस बार मैं एक दूसरा ले लेता हूँ रूल। दूसरा रूल मैं क्या ले सकता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, अपना जो रे है उसको पास करूँ किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो लाइन है पहले इधर जाएगी, उसके बाद रिटर्न आएगी, अपने पास को रिट्रेस करेगी, तो इस पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी। तो ये जो लाइन पॉइंट पे कट करेगी, तो इधर हो जाएगी हमारी इमेज फॉर्म, क्योंकि इधर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। आप अगर समझे नहीं, तो देखो, ये जो रे है ये क्या करेगी, रे वापस ये पास ट्रेड करेगी, जहाँ से ये आई थी वापस वहीं चले जाएगी। तो जब वहाँ जाएगी, तब क्या होगा, इस पॉइंट पे ये टच होगी, ये टच होगी इस पॉइंट पे। तो हमने क्या सीखा था, अगर दो रिफ्लेक्टेड रे टच होती है तो वहाँ हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो हमारी इमेज हो गई फॉर्म। अब इमेज की साइज़ क्या है, छोटी है ना ये ऑब्जेक्ट की साइज़ से, ऑब्जेक्ट की साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है और इमेज की साइज़ छोटी, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
इमेज को डिमिनिश्ड, ज़्यादा डिमिनिश नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम छोटा, लेकिन ये क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा ही छोटा है, तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड। अब ये इमेज उल्टी बनी है तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड, और उल्टी बनी है और रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो क्या करेंगे, रियल और इन्वर्टेड डालेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जहाँ भी अगर आपका इमेज इन्वर्टेड बनेगा मतलब कि उल्टा बनेगा, तो आपका जो रेज है वो एक्चुअली मीट करेंगे, मतलब असली में मीट करेगी। रियल के साथ हर बार इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ हर बार इरेक्ट आता है, आपको ये याद रखना है। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, सॉरी इमेज की जो इमेज कहाँ बनी है हमारी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो क्या लिखूँगा, कहाँ बनी है मेरी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैंने दो केसेस देख लिए, और भी हमको चार केसेस और देखने हैं, तो अब थर्ड केसेस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, अगर देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्या रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहे, मतलब इस पॉइंट सी पे रहे, तो वापस मैं ले लेता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले ले लूँगा, और पास करेगी इससे फोकस से पास करेगी। उसके बाद अब ये जो है, अब एक और ले लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में क्या लिया था, थर्ड वाला लिया था, इस बार मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा ले लेता हूँ, मतलब कि पास करी अगर फोकस से तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही हैं, इस सी पॉइंट पे ही मीट कर रही है। तो अगर मैं अपना इमेज बनाऊँ, तो इमेज देखो मेरी इमेज बन रही है, तो क्या हुआ, मेरी जो इमेज है वो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर ही बनी, मतलब क्या हुआ। अब ये देखो इमेज की साइज़ क्या है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही इमेज की साइज़ भी लग रही है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, सेम साइज़ की है इमेज और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये क्या है, उल्टा बना है, तो उल्टा बना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, और रेज क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो क्या हो गया ये, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद अब ये कहाँ बना है, ये बना है कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे बना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, तो लिख दूंगा मैं इधर एट सी। अब देखते हैं केस फोर, केस फोर हम क्या करेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, पहले तो रे क्या जाएगी, रे जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और किससे पास करेगी, फोकस से पास कर देगी, फोकस से रे पास की। अब मैं नेक्स्ट क्या ले सकता हूँ, अगर मैं फोकस से पास करूँगा तो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दो रिफ्लेक्टेड रे मीट जहाँ करेंगी वहाँ मेरी इमेज फॉर्म होगी, तो दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे है, तो मेरा इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है सी के पीछे, मतलब क्या लिखूंगा मैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है तो बियॉन्ड सी लिखूंगा। अब ये क्या है, जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, इमेज उल्टी बनी है तो क्या लिखूंगा मैं, इन्वर्टेड, और रेज क्या है, एक्चुअली मीट कर रही है, रे इधर से एक मीट कर रही है, इधर से रे मीट कर रही है, मतलब क्या होगा मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा भी बना है और रे क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। अभी देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज की साइज़ से तो छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ छोटी है और इमेज की साइज़ बड़ी है, तो मैं क्या लिखूंगा, एनलार्ज्ड, मतलब इमेज की साइज़ क्या है, एनलार्ज्ड। अब केस फाइव देख लेते हैं, अब केस फाइव देखो मैंने क्या बोला, अब फोकस पे अगर हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो देखो अब फोकस पे क्या कर सकता हूँ, अब फोकस पे है मेरा पॉइंट ही, मेरा फोकस पे है तो मैं पासिंग थ्रू फोकस वाला तो नहीं ले सकता क्योंकि फोकस पे ही मेरा पॉइंट है, पास कैसे कर सकता हूँ मैं इसको फोकस से, तो मेरे पास क्या बताया, तीन ऑप्शन और बचा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पोल पे जाके क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर पोल पे जाएगा हमारा रे तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा, तो डाइवर्ज हो गया मेरा रे। अब एक और क्या ले सकता हूँ मैं, अब मैं अपना जो रे है उसको किससे पास करा सकता हूँ, अपना जो रे है उसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकता हूँ, जैसे हमने सीखा, तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगा तो देखते क्या होता है, तो मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो क्या हुआ, अरे ये तो एकदम पैरेलल जा रहा है, तो ये जो मेरी रे है ये क्या कर रही है, मेरे को लग रहा है कि ये देखो एकदम इसके पैरेलल जा रही है, लेकिन एकदम तो पैरेलल नहीं जा रही ना, थोड़ा थोड़ा तो ये डिस्टेंस है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये मीट कर सकती है, तो आगे जाके कहाँ मीट करेगी, अब ये हमें पता नहीं कहाँ मीट करेगी, तो हम क्या लेंगे, हम ले सकते हैं इन्फिनिटी पे ये जाके मीट करेगी, तो हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी पे ये जाके मीट कर सकती है, क्योंकि देखो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, पूरा पैरेलल तो नहीं लग रहा, पैरेलल मतलब एकदम स्ट्रेट, तो लेकिन ये पूरा स्ट्रेट तो नहीं है, आगे जाके ऐसा लगता है कि ये मीट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चांस है मीट करने का, मतलब ये कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे, अगर ये मीट करेगी तो मतलब बहुत दूर जाके मीट करेगी,
अगर बहुत दूर जाके मीट करेगी तो इमेज का जो मतलब जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि देखो इधर से ही अभी हमें लग रहा है कि इमेज बड़ी बनेगी, तो अगर आगे जाके ये मीट करेगी तो इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, मतलब हम क्या कर सकते हैं इमेज की साइज हमको बड़ी मिल गई। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ मतलब कि जो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनेगी हमारी एट इन्फिनिटी, मतलब हमें पता नहीं लेकिन आगे जाके ये मीट करेंगे इन्फिनिटी पे इनकी इमेज बनेगी। अब ये देखो इमेज जो है वो कैसी रहेगी, अब वो हम कैसे बता सकते हैं, इमेज तो हमने देखी ही नहीं है, रियल रहेगी कि इन्वर्टेड रहेगी। तो देखो हम लोग का जो रे है वो आगे जाके कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, तो जैसे हम पिछले केस में सब देखते आए कि देखो अगर हम क्या रखेंगे प्रिंसिपल फोकस से लेके चलेंगे अपनी इमेज, तो हमारी इमेज तो कितने भी हम लोग ले ले उल्टी ही बन रही थी हमारी इमेज, तो इन्फिनिटी पे अगर हम बनाएंगे तो हमारी इमेज बनेगी उल्टी ही बनेगी, तो क्या हो जाएगा हमारा इमेज रहेगा इन्वर्टेड, मतलब उल्टा रहेगा इमेज। इन्वर्टेड के साथ क्या रहता है, जो रे रहेंगी वो एक्चुअली मीट करेंगी ना, रे एक्चुअली मीट करेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा मेरा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद इमेज की साइज़ तो बहुत बड़ी बनेगी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत दूर जाके ये मीट करेगी, तो इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे एनलार्ज लिख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी। अब देखो सिक्स केस क्या कर सकते हैं, सिक्स केस में क्या है, सिक्स केस में अगर फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहे, अब क्या है लास्ट केस हम देख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा रहे तो अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी आप सोच सकते हो, क्योंकि अब तो कोई जगह ही नहीं रही, इन्फिनिटी तो सबसे दूर है, उससे ज़्यादा दूर कहाँ जा सकते हैं हम, तो अब कितना चांस है कि मतलब कैसे कैसे हम रूल अप्लाई कर सकते हैं उस पर। फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास करेगी, तो फोकस से ऐसे पीछे से जाएगी पास करके, पासेस थ्रू फोकस। अब उसके बाद दूसरा क्या ले सकते हैं हम, दूसरा हम ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लेते हैं, तो अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, या फिर आप पोल से भी ले सकते हो, पासिंग थ्रू पोल पैरेलल टू सॉरी हाँ अगर पोल से जाएगी तो क्या होगा डाइवर्ज हो जाएगी, तो देखो दोनों भी ले सकते हो, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूँ, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूँ, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया तो क्या हो रहा है ये आगे जा रहा है। अब आप बोलोगे कि ये भी इन्फिनिटी पे क्या मीट करेगी, नहीं, क्यों देखो ये जो है ये रे जो है ये एकदम इस साइड जा रही है और ये जो रे है ये इस साइड जा रही है, तो देखो दोनों भी रे अलग अलग साइड जा रही है, इधर क्या था इधर आगे जाके मीट करने के चांसेस थे क्योंकि थोड़ा पास में ये थे, मतलब कि पास होने का मतलब जॉइंट होने का कुछ चांसेस था, लेकिन ये तो पूरा उस साइड जा रही है और ये पूरा उस साइड जा रही है, मतलब कि कुछ चांसेस नहीं है जॉइंट होने का, तो मतलब क्या होगा आगे से तो अभी मीट नहीं करेंगे इन लोग, क्या चलेंगे आगे से एकदम मतलब डाइवर्ज ही हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, आगे से नहीं हो रहे लेकिन पीछे से हो सकते हैं ना, अगर हम मैं इसको लेके जाऊँ चिपका दूँ पीछे, दोनों भी रे को लेके जाऊँ और चिपका दूँ पीछे तो शायद हो जाएंगे, तो मैं अगर इस रे को एक्सटेंड करता हूँ अपनी इमेजिनेशन में तो क्या होगा, अगर मैं इस रे को एक्सटेंड करूँगा अपनी इमेजिनेशन में दोनों भी रे को, तो मैंने इमेजिनेशन में एक्सटेंड किया इसको, तो देखो हाँ पीछे से तो ये मीट कर रही है, तो मतलब पीछे हमारा इमेज बनेगा, पीछे हमारा इमेज बना, और इमेज हमारा कैसा बना, हम लोग का इमेज बना है सीधा इमेज बना है क्योंकि हमारा इमेज पीछे बना है। तो हमें क्या कैसे देखना है कि इमेज हमारी बनी कहाँ है, तो हम देख सकते हैं कि जो मिरर है मिरर के सामने अभी तक हमारी इमेज बन रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है इस केस में लास्ट केस में हमारे सिक्स केस में जो हमारी इमेज है वो क्या बनी है मिरर के पीछे बनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। अब उसके बाद देखो इमेज कैसी है, रियल है क्या, और रियल तो नहीं है क्योंकि रियल में क्या होता था रे जो है वो एक्चुअली मीट करती थी, असली में जो दो रे हैं वो मीट करती थी, लेकिन हमने तो इसे अपनी इमेजिनेशन में बनाया है तो कैसे हो सकता है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम वर्चुअल बोल सकते हैं क्योंकि हमने अपने इमेजिनेशन में बनाया। अब बनाया तो बनाया है, अब क्या है ये इमेज देखो सीधी है, सीधा दिख रहा है हमें इमेज, तो मतलब क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद जो इमेज की जो साइज़ है, साइज़ इमेज ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी है, मतलब ये क्या है एनलार्ज्ड है। अब देखो मैं आपको एक अभी ट्रिक बता देता हूँ कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये जो हमने 6 केसेस पढ़े उसको याद कैसे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे वही देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा केस वन में क्या हुआ था, केस वन में हम लोग ने अपना ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, हमारी इमेज बनी थी इस फोकस पे हमारी इमेज बनी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये था हमारा फर्स्ट वन, उसके बाद हमने हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट रखी तो उसका जो इमेज बना वो कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब इस सेंटर और फोकस के बीच में हमारा क्या बना, ये इसका इमेज बना, मतलब इधर बना।
तो देखो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज पीछे आती जा रही है। उसके बाद देखो थर्ड केस में हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लिया था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनी थी, मतलब ये हो गया हम लोग का तीसरा केस। उसके बाद चौथा केस हमने क्या देखा था, सेंटर और फोकस के बीच में अगर रहे, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज पीछे जाती जा रही है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर मेरी ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो रहे वो फोकस पे रहे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जैसे हमने देखा था। तो उसकी इमेज कहाँ बनी हमारी, इन्फिनिटी पे। तो देखो जैसे हम लोग इन्फिनिटी से आगे लेके गए तो फोकस पे हुआ। देखो अब इन्फिनिटी और फोकस में रिलेशन समझ सकते हो, जब हम लोग इन्फिनिटी पे थे तो हमारा इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। अब हम फोकस पे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे। अब सिक्स केस में क्या हुआ था, सिक्स केस में देखो हम लोग का एकदम अलग ही हो गया था क्योंकि इन्फिनिटी के आगे जाने का तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, केस सिक्स में हम लोग का जो इमेज बना है वो इमेज कहाँ बना है, हम लोग का इमेज मिरर के पीछे बना है। ये था हमारा सिक्स केस। तो आप समझ सकते हो इससे कि जैसे जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लेके जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज बढ़ती जा रही है और पीछे पीछे होती जा रही है। मतलब पहले हमारी ऑब्जेक्ट थोड़ी छोटी थी, ऑब्जेक्ट मतलब इमेज थी वो छोटी थी, उसके बाद इमेज थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद इमेज क्या है ऑब्जेक्ट जितनी हो गई, उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, उसके बाद इमेज और भी बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, उसके बाद एकदम बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से। मतलब कि जो इमेज की जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है जब ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है। तो ये हमें समझ गया छः केसेस। तो अब देखो जो कॉनकेव मिरर होता है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर हमें कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखो ब्यूटी पार्लर होता है उस पर जो देखो छोटा सा आईना रहता है ये कॉनकेव मिरर रहता है। तो इस पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जूम करके थोड़ा दिखता है, और हम लोग जो शेविंग के लिए आईना यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव रहता है, वो भी थोड़ा मतलब जूम करके हमें दिखाता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा दिखाता है कोई भी चीज़ को। और उसके बाद यूजर्स हम कॉनकेव मिरर और देखते हैं, जो डेंटिस्ट रहते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं, तो दांत देखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर रहता है मैंने आपको बताया कि वो जो इमेज मतलब जो इमेज बनाता है वो बहुत बड़ी बनाता है, तो इधर क्या बनाता है बहुत बड़ी इमेज बनाएगा, तो क्या है डेंटिस्ट को क्या होगा अपना काम करने में आसानी होगी, तो इसलिए क्या है कॉनकेव मिरर इसमें लगा रहता है। और एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है इसका इम्पॉर्टेंट रहता है सोलार हीटर में। सोलार हीटर में क्या करता है ये, सोलार हीटर में आपने देखा होगा सोलार हीटर क्या होते हैं आप देखते हैं, इसके बीच में पहले हम क्या करेंगे कुकर रखते हैं, इसके बीच में हम कुकर रखते हैं। तो देखो जो हमारा सन है उसमें क्या होता है, सन के अंदर क्या होता है लाइट होती है, तो लाइट क्या करेगा ये जो सोलार हीटर है इसके ऊपर लाइट आएगी। जो ये पूरा हीटर है ये जो मतलब राउंड सा शेप है, कॉनकेव जैसा शेप बना है, कॉनकेव जैसा शेप बना है क्योंकि वो अंदर की साइड है केव बना रहा है, तो कॉनकेव जैसा जो शेप बना है कॉनकेव मिरर है ये इसके अंदर, तो वो क्या करेगा जो सन की जो रेज आती है जो सन की लाइट आती है उसको एक पॉइंट पे फोकस करेगा, उस पॉइंट का नाम होता है हमारा फोकस। जैसे देखो हमारी जो सन की रेज आती है, जो हमारी सन की रेज धरती पे गिरती है तो क्या करती है, जो धरती पे जो सन की रेज आती है समझो ये जो है सन की रेज है तो ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या जाएंगी फोकस के पास जाएंगी, तो फोकस पे सब पॉइंट मतलब क्या हो रही है सब हीट एक ही जगह पे इकट्ठा हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा फोकस पे। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हम फोकस पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो के जल भी सकता है, मतलब उधर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो सोलार कुकर रहता है मतलब उसके उधर अगर हम कुकर रख दें, उस फोकस पॉइंट पे अगर हम कुकर रख दें, तो कुकर के अंदर अगर हम लोग ने चावल रखा होगा या कुछ भी रखा होगा पुलाव रखा होगा तो क्या हो जाएगा, वो बन के तैयार हो जाएगा। अगर पानी रखा होगा तो भी एकदम वो खोलता रहेगा। तो मतलब फोकस पे क्या हो रहा है, हम लोग का कॉनकेव मिरर का भी यूज़ हो रहा है, किसमें सोलार हीटर में। सोलार हीटर क्या करता है, एक फोकस पॉइंट पे लाके सब हीट को मतलब कि जो सन की रेज आती है वो एक पॉइंट में लाके रख देता है, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से सब सोलार कुकर चलता है और उसके अंदर क्या होता है जो भी चीज़ रहता है वो पकना स्टार्ट होता है। तो यही था हमारा ये यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और हमने देखी इमेज कैसे फॉर्म होती है इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉनकेव मिरर के बारे में पूरा समझ आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी
उसके अंदर इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है और उसके साथ ही उसके रूल्स देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो बहुत ईजी है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही हैं, इसमें 6 केसेस थे लेकिन उसमें सिर्फ 2 केसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।